गोवा, ये नाम सोचते से लोगों के सामने आते हैं लाउड पार्टीज या एकदम ही ओवरक्राउडेड बीचेस। लेकिन आज हम आपको गोवा की एक ऐसी साइट दिखाएंगे जो बहुत ही कम एक्सप्लोर की गई है। वेलकम टू साउथ गोवा। सबसे पहले देखते हैं कि आप गोवा कैसे पहुंच सकते हो। बाय ट्रेन आपको अगर साउथ गोवा आना है तो मडगांव स्टेशन पास में है और नॉर्थ गोवा के लिए टीवेम। बाय एयर दापोलिम एयरपोर्ट इज द नियरेस्ट टू साउथ गोवा। दापोलिम एयरपोर्ट पे गोवा माइल से अपनी कैब बुक कर लो, अदरवाइज कुछ कार रेंटल ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे, उनको कांटेक्ट करके अपनी कार बुक कर लो और निकल पड़ो अपनी डियर जिंदगी को जीने। सबसे पहले डे वन पे आते हैं अपने बेस पे, वो है पालोलिम में। यू कैन चूज बिटवीन पालोलिम और अगोंडा बीच। वी बुक दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी नियर पालोलिम बीच, जहाँ से बीच सिर्फ 2 मिनट्स वॉक पे था। हमने ये रिसोर्ट बुक किया था फॉर 2,000 रुपीज। अगर आपको भी बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। प्रीवियसली वी स्टेड इन कोकोस बीच रिसोर्ट, सो यू कैन इवन चेक दैट आउट। अब डे वन पे यू कैन हैव ब्रेकफास्ट एट एनी ऑफ दिस प्लेसेस। वी पर्सनली लाइक दिस क्लियोस कैफे अ लॉट एंड वुड रेकमेंड यू टू ट्राई आउट देयर बेकरी आइटम्स, दे आर सुपर फ्रेश एंड डिलीशियस। नाश्ता करने के बाद आप पालोलिम से बोट लेकर बटरफ्लाई बीच जा सकते हो, जो 500 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। या अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो पूरी बोट आपको 3,000 रुपीज में मिल जाएगी। ऑन द वे इफ यू आर लकी तो आपको डॉल्फिन्स भी देखने मिल सकते हैं। इस बोट राइड में आपको मंकी आइलैंड, हनीमून बीच, टर्टल रॉक एंड बटरफ्लाई बीच में घुमाएंगे। बटरफ्लाई बीच बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बीच है। यहाँ पर आप स्कूटी से भी आ सकते हो, बट एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। अगर आप कार से आ रहे हो तो 2.5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग करके आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पार्किंग से 300 रुपीज में जीप आपको यहाँ बटरफ्लाई बीच तक लेके आएगी। आफ्टर दिस कम बैक टू पालोलिम, हैव लंच एट एनी ऑफ द बीच शैक्स और फिर निकल पड़ते हैं गोवा के एक स्पेशल बीच को एक्सप्लोर करने। बट डू यू नो घूमते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? द राइट ट्रैवल गियर, एंड दैट्स वेयर द ज़ूक ट्रैवल बैकपैक कम्स इन। इस बैग के स्टडी लैपटॉप कंपार्टमेंट के साथ यू कैन कैरी योर टेक सेफली व्हेरेवर यू गो, फ्रॉम रिमोट बीचेस टू कोजी कैफे और बसलिंग मार्केट्स। बट दैट्स नॉट ऑल, दिस बैग पैक इज डिजाइन फॉर द मॉडर्न ट्रैवलर लाइक यू एंड मी। इसके स्पेशियस कंपार्टमेंट्स आर परफेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर ट्रैवल एसेंशियल्स एंड द इजी एक्सेस पॉकेट्स कीप योर नेसेसिटीज विद इन रीच व्हेन यू आर ऑन द मूव। जो चीज सच में ज़ूक बैकपैक को अलग करती है वो है इसकी सस्टेनेबिलिटी और स्टाइल। ZOOK is proudly made in India brand which is cruelty free. It's vegan with the fashion and they have beautiful collection. For our viewers, we have a special coupon code which you can see on the screen. Use this and get 10% discount. Now let me take you to the one of the most special beach in South Goa. Yahan agar hum December to February month mein aate hain, to you get to see turtle nesting. Galgibam beach ko turtle beach bhi kaha jata hai kyunki ye beach olive redley turtles ke nesting grounds mein se ek hai. ये टर्टल्स का एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है और ये सिर्फ कुछ ही जगह पे अपने अंडे देने आते हैं और गाल्गीबाम बीच उनमें से एक है। ये बीच एकदम पीसफुल है और स्विमिंग के लिए परफेक्ट। इसके बाद इफ यू हैव टाइम तो यू कैन आल्सो विजिट राजबाग और पटनेम बीच एंड देन रिटर्न टू पालोलिम टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सनसेट। शाम को अपनी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए यू कैन टेक अ रिफ्रेशिंग ट्रिप इन द ओशन, या कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने का मन हो तो कायाकिंग भी कर सकते हो। कायाकिंग के चार्जेस होते हैं 200-300 रुपीज पर आवर और कपल्स के लिए 500। डिनर यहाँ के कोई भी बीच शैक पे कर सकते हो और साथ ही मस्त समंदर की हवा और यहाँ का माहौल एंजॉय करते हुए यू कैन कॉल इट अ डे। नाउ इफ यू वांट टू पार्टी देन हियर आर फ्यू सजेशंस फॉर यू, या फिर पालोलिम स्ट्रीट मार्केट भी घूम सकते हो। डे टू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी स्कूटी या बाइक होना, क्योंकि आज जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के रास्ते कुछ अच्छे नहीं है। सबसे पहले यू कैन विजिट अगोंडा बीच और फिर कोला बीच। अब कोला बीच जाने के लिए 2 रास्ते हैं और जो गूगल मैप्स पे है वो बहुत ही खराब रास्ता है। एनीवे वील मेक अनदर वीडियो, अभी के लिए कोला बीच चलते हैं। जब दूसरे रास्ते से यू रीच कोला बीच तो यहाँ पे क्लिफ है वे यू कैन पार्क योर व्हीकल। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं 2,500 से 3,500 में विद गोप्रो वीडियो। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 200 स्टेयर्स के बाद यू विल रीच एट कोला बीच। ये बीच फेमस है फॉर ब्यूटीफुल सनसेट्स एंड कायाकिंग इन बैक वाटर्स।
यहाँ पे आप 200 से 300 रुपए पर पर्सन में भी कायाकिंग कर सकते हो। Here, I would recommend कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी करो, because कायाकिंग करते समय आप भीग सकते हो। इसके बाद यू हैव टू ऑप्शंस, इसमें से कोई एक बीच पे जा सकते हो, जैसे काकुलम बीच और पेबल्स बीच। आफ्टर दैट लेट्स हेड टुवर्ड्स वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस इन साउथ गोवा, दैट इज काबो दे रामा क्लिफ। यहाँ पे अगर आप 4 बजे के पहले आते हो तो काबो दे रामा फोर्ट पे भी जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ क्लिफ से भी बहुत ही सुंदर व्यूज है। यहाँ पे केप गोवा ने काफी सारे फोटो स्पॉट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो गोवा के पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ ढेर सारे फोटोज क्लिक करवा सकते हो। उसके बाद भूख लगी है तो पास में केप गोवा तो है ही। यहाँ का लाइव म्यूजिक और मस्त सी ब्रीज के मजे लेते हुए आप अपनी शाम केप गोवा के नाम कर सकते हो। बट मेक श्योर यू डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिकॉज फिर से सही सलामत घर भी लौटना है। उसके बाद डे 3 एंड डे 4 पे स्क्रीन पे दिखाए गए आइटिनरी को फॉलो कर सकते हो, वरना जिंदगी सिर्फ 2 पल की है और कितने बीचेस घूमोगे। जहाँ हो वहीं का मजा लेते हुए थोड़ा चिल ही कर लो, और अगर कुछ बच भी गया तो अगले बार गोवा आने के लिए आपको एक और रीजन भी तो मिल जाएगा। गोवा की आइटिनरी को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स या इंस्टाग्राम के डीएम में आप हमें मैसेज कर सकते हो। ऐसे और भी सुहाने सफर पे आपको लेके चलेंगे। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।